ये मैं अभी नीचे था, ये हमारे कबूतर के साथ में कबूतर घूम रहा भाई, ये किसी का चिन्ना सा काला चिन्ना कबूतर। अरे यार किसने बच्चा निकाल दिया। आ आ आ आ आ आ, आ। ये काला कबूतर अपना है, ये काला चिन्ना कबूतर पता नहीं किसका घूम रहा है। मेरे को तो लग रहा है जो पड़ोसी भाई है ना सेम, वो ऐसे कबूतर उड़ाते हैं शायद। ये ऊपर बैठ गया, ऊपर बैठ गया लगता है काला कबूतर तो अपना। ये रहा, ये रहने नहीं बैठा, आ जा ले भाई। दोपहर का टाइम है। अरे यार अपने सारे कबूतर खुले हुए हैं लेकिन अब नहीं बैठेगा, अब दिक्कत होगी। ये रहा डर गया अपने कबूतर पता नहीं किस चीज़ से। अरे एक और कबूतर बैठा था किसी का बच्चा, यार ये निकल गया। शिट यार वो गया। ये देखो यार, ये जो अपना काला कबूतर है ना नीचे का, जो दूसरे वाला बच्चा काला बच्चा, उसके साथ में ये कबूतर हो चुका। और ये कबूतर भाई अब मेरे को ध्यान में आया, ये अपना ही कबूतर है, लेकिन हमने वो जो साइड में भाई पाल रखे हैं उनका कबूतर पकड़ा था। ये कबूतर अपना, मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो कबूतर इस जाल के अंदर कबूतरी है ये जो अंडे देती है, आपको ध्यान होगा भाई। आज ये है ना पंख कटे कटे में, इसके पंख तो हमने खींचे ही नहीं थे फिर भी ये उड़ रही है, लगता भाई पंख कटे कटे में उड़ रखी है ये कबूतरी। और मेरे को पहचान में इसलिए नहीं आई क्योंकि ये पहली बार उड़ी आज, ये तो ये रही। अब देखने वाली बात ये होगी इसलिए ये ऊपर नहीं बैठी थी क्योंकि ये नीचे ही कबूतरी, और नीचे से आज मेरे ख्याल में पहली बार उड़ी होगी। तो अब ये देखने वाली बात है, ये नीचे बैठेगी या फिर ऊपर बैठेगी। मेरे हिसाब में तो नीचे आनी चाहिए भाई क्योंकि इसके साथ में ये आ गई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आ जा। बच्चा वो भी नीचे ही आता है डायरेक्ट, तो कबूतर भी खुल रखे हैं। देखते भाई ये घूम रहा है अपना काला कबूतर, इसके जोड़े का ये कबूतर इसी के साथ में घूम रही थी अपना। ये आ ये रहा काले कबूतर के साथ, बच्चे के साथ में आई है, ये आया काला कबूतर। अरे रह गया, इस चक्कर में बैठेगा, मैं कबूतर थोड़े आगे कर देता हूँ, आ जाओ। ये देखो ये आई, आई है, आई बैठी 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 बैठी। अरे ए ए ए ए ए ए ये लो भाई लैंडिंग लिया बिल्कुल अपनी छत पे कबूतरी ने, अभी भी इसकी आगे कुंदे कट रखे है भाई। ये देख इसका कबूतर आ गया, तो ये कबूतरी थी, मेरे को लगा यार बाहर का कोई कबूतर आ गया क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई कबूतर नहीं उड़ता था। ये देखो यार, ये देखो भाई इस बच्चे को क्या हो रखा यार, ये तो मैंने अभी देखा कबूतर बंद करते वक्त। कुछ दिन ना आने की वजह से देखो बच्चों का क्या हाल हो गया, मैं निकाल के दिखाता हूँ भाई। बेचारा हाथ भी नहीं जा रहा मेरा वहाँ तक, इसको दिख भी नहीं रहा है कुछ। ये देखो, अरे यार ये तो अपने मेन कबूतर का बच्चा था, देखो पंख पैर पे इसके। अरे ये फुंसियों के कारण ये देखो क्या हो चुका है। अरे यार पूरा ही तो वो हो गया इसका, तो ये दवाई के कारण वो हो गया, दवाई इसको लगता है गलत लगा दिया, फिर लगाई तो सही है दवाई। ये देखो क्या हाल हो गया, इसकी गायब हो रही है ना फुंसी इसलिए इसको खून वगैरह आ रहे हैं, पर मुश्किल ही बचेगा लग तो ऐसा ही रहा मेरे को। जा बेटे चला भी नहीं जा रहा। ये आया कबूतर किसी का, एक सफ़ेद कबूतर और आया इस साइड से, अब ऊपर के कबूतर आने पड़ेंगे। वो निकल गया, पहले चेक कर लेता हूँ कहीं ऊपर वो कबूतर तो नहीं बैठा किसी का। देखो गुलाबी रंग लगा हुआ कबूतर आया किसी का, ये देखो ये देखिए। और ये इस भाई ने नए कबूतर लिया है क्या, ये देखो भाई ये बैठ गया यार। और मेरे को लगता है ये कबूतर भी जो दूर दूर घूम रहा है ना ये इसी भाई का है। भाई देखो कितने कबूतर लिया है, काले गुलाबी रंग लगा हुआ बहुत कबूतर बैठे हैं भाई, इसलिए तो लगता है ये दोबारा उड़ेगा क्योंकि अभी ये लगता फड़क के बैठा। ये देखिए जो कबूतर है ये घूम रहा है, अपने कबूतर भी थोड़े बहुत उड़ रखे हैं। मैं प्लॉट पे आ चुका हूँ, आते ही देखो मेरे को क्या मिला, कौवा बैठा भाई, क्योंकि कौवे को भी पता चल गया अब यहाँ पे कबूतर वगैरह उड़ते हुए ऊपर नीचे बैठते हैं ना, तो ये इनको मारने के लिए आ चुका है। बिल्ली का भी खास ध्यान रखना पड़ता भाई, कहीं यहाँ पे तो नहीं छुप के बैठी है, क्योंकि कई बार है ना बिल्ली, मैं आता हूँ बिल्कुल गेट के यहाँ पे, कई बार तो मेरे को यहाँ पे बैठी मिली,
चेकिंग करके कबूतर को निकालेंगे भाई। यहाँ पे भी नहीं है, क्लियर है भाई। जैसा कि सब भाई देख सकते हैं मौसम बहुत खराब हो रहा है, उस साइड से आंधी तूफान आने के चांस हो रखे है, तेज हवाएं चल रही है। और जब मैं घर से चला ना भाई, बिल्कुल मौसम धूप थी, बहुत तेज धूप थी। यहाँ पे आया हूँ, मौसम ऐसा बिगड़ गया ना क्या बताऊँ। पर चलो अच्छी बात, अब ठंडक मिलेगी। लेकिन आपको जैसा पता है कल की वीडियो में मैं अपने घर से एक कबूतर लाया था, जो मैंने कल परसों पकड़ा था, वो मैंने इसमें डाल दिया था बिना पंख खोले, मतलब बिना पंख बांधे और बिना पंख काटे। अब आपको पता, मैं जैसे ही कबूतर खोलता हूँ अपने, तो मेरे कबूतर जितने भी है सारे धड़ाधड़ निकलते हैं और उड़ते हैं। अब टेंशन ये है, वो है एक नंबर का बच्चा भाई, अगर वो उनके साथ में निकल के उड़ गया तो वो भाग जाएगा। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, ना तो वो ऊपर बिठाया था ना कुछ और, तो बहुत रिस्क वाली बात होने वाली है। अभी मैं ये सिल्ली हटाता हूँ, बस दुआ यही करो कि वो उड़े ना, क्योंकि भाई एक दिन में नहीं हिल सकता बच्चा। तो भाई ये आ चुके हैं अंकित और इसका दोस्त, उसका क्या नाम है, सोनू। तो भाई मैंने ये है ना कुछ खास काम के लिए बुलाया, मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया है, इनको लेके आज एक वीडियो बनाने वाले हैं हम। तगड़ी, बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है, आप बस है देखते रहो। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या इनके, आप सोच लो इनके साथ में मैं क्या ऐसी वीडियो बना सकता हूँ। तुम सोच सकते हो क्या वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, क्या लग रहा है तेरे को? कबूतर का वीडियो। इसको पुरस्कार मिलना चाहिए भाई, सही बता रहा हूँ, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए। तेरे को क्या लगता है कबूतर भाई? ये वही बंदा जो उस दिन गाना गा रहा था, कौन सा गाना गा रहा था तू भाई? तेरा ये बात हुई, इसको गुंडे वाला पुरस्कार मिलना चाहिए। कि मैं ये सिल्ली हटा रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, क्योंकि कबूतर निकलेंगे और एक कबूतर है जो नया, वो नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। और अभी गिर जाता पीछे, इस साइड ना, इस साइड आ जा, इस साइड आ जा, इस साइड। कबूतर अचानक निकलेंगे और पंख उसके खुल रहे हैं, उसको कबूतर क्या है? ये देखो भाई, ये बच गया भाई, अभी उड़ जाता यार। इस कबूतर की बात कर रहा था मैं, ये बच्चा उड़ने की करी तो एक बार। अभी मैं बताने वाला हूँ क्या वीडियो मैं बनाने वाला था इन बच्चों के साथ में, सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी शिव गोलू आ रहे हैं भाई, मैंने सोचा उनके ऊपर प्रैंक करते हैं, प्रैंक यानी कि उनके साथ में मतलब थोड़ा मजाक करते हैं। तैयार हो तुम लोग? तुम अच्छे से एक्टिंग कर देना बस भाई, मजा आने वाला है। देख ये अपना कबूतर, एक ये शिव गोलू का कबूतर है भाई, इन्होंने दिया था क्योंकि इनके पास अकेला था। तो ये हाँ सफेद वाला ये कबूतर है ना, तेरे को अंकित अपने यहाँ पर डालना, मतलब छुपा लेना है इसके अंदर, पेट के अंदर, ठीक है? और हाँ लेके तू इनको लेके जाना नीचे, कबूतर को ऐसे जैसे चोरी करके तू लेके जा रहा है। वो अभी भाई आ रहे हैं, वो जब यहाँ पे आ जाएंगे मैं एक बार फोन करता रहूंगा उनके पास में, जब ऐसा हो जाएगा ना कि गली में आने वाले होंगे तब मैं इसको भेजूंगा यहाँ से, और फिर उनका रिएक्शन देखते कैसा क्या होगा, कैसा क्या रिएक्शन देंगे वो, ठीक है? तू बस है ना उनके सामने बोलता रही हो कि जब पकड़ा जावे ना, जब बोल दियो भैया ऐसे, मतलब कुछ भी बोल दियो मजा आया, ठीक है? ये मत बताइयो कि हम मतलब मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे, ऊपर भैया ने दिया है, ठीक है? ये बोल दिया भैया छोड़ दो माफ कर दो, ठीक है भाई? ऐसा कुछ होने वाला है, देखते सही कर पाएगा कि नहीं। जल्दी से कबूतर पकड़ता हूँ मैं, ये लो भाई, ये पकड़ भी लिया, ये ले पकड़ लेगा ना। लो भाई ये तो शिकारी है यार पूरा, लगता है ये पिछले जन्म में कबूतरबाज था। कबूतरबाज था तू पिछले जन्म? अभी अभी फोन आया उसका, आ गया वो शायद, देखता हूँ भाई नीचे। ये देखो भाई ये आ रही है, जल्दी सुन, बिल्कुल नीचे आ गए हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए है, ठीक है? जाओ आराम से जाइयो, आराम से चुप आराम, जब मैं बोलूँगा ना जब जाइयो, रुक जाओ यहाँ पर हंसियो मन ना बिल्कुल भाई, एक नंबर का सीन होगा, मैं ऊपर से रिकॉर्ड करूँगा क्या होगा, मैं देख लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं पता है ना, चल रहा है मौसम बिल्कुल साफ।
ऊपर आऊँ, अभी आ रही हूँ ऊपर, मैं यहाँ पर छुपा रहता हूँ, छुपा भाई कैमरा मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि इनको पता ना चले कैम वो मंट। अरे अरे कबूतर चोरी कर रहा था यो। कि तू ये काम कर रहा है यार, तू कबूतर कहाँ से लेके आ रही हो? अपना है ये, तुम्हारे वाला है। हाँ, ये मारे ले जा रहा है। तो भाइयों ये देखो, अरे कबूतर चोरी कर रहा था, मैंने आपको पहले बोला था रक्षा भाई नहीं करना ये। और यार मैं यहाँ पे बैठा था, दान डालना करा था जब का, और आपने ध्यान नहीं दिए होगे। तेरे को कहाँ पे मिला? अरे गेट के पीछे, जब मैं गेट में घुसा रहा नू करके ले जा रहा, मैं कहा दिखे ये रखे है, बड़ा कुछ नहीं है भैया, और पंख दिख रहा नू है। निकाला ना, कह रहा भूख लगी थी, कबूतर खाना था। हाँ। कबूतर खाना है? अरे भूख लग रही है, उसने चीज लिया, इस तरह चीज ले आऊंगा यार, फिर चीज की बात करा कर क्यों कबूतर के यार ठाक ले जाऊंगा। कोई ना खिला दे, ठीक है बहुत मारूंगा मैं। अरे कोई दिक्कत ना है। चला चीज खिला, तुमने खाओगे।